हो ना तब धरना देते जब दरगाह के अंदर लूट हो रही थी, कहाँ जा रहे थे पैसे? तो कलियर की जनता अंधेरे में डूब रखी है और तीन तीन बार वहाँ का विधायक क्यों बनाया जा रहा है फिर वहाँ से? होता है ना कई बार आप क्यों जीतते? अरे आप चिंता मत कीजिए, हमें टिकट देगी तो हम जीत के भी दिखाएंगे। अच्छा। पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी, सामने खड़ा करेगी तो जीत के भी दिखाएंगे, कोई कमजोर नहीं है। सीधा आपकी कम हो रही है, आपसे पहले क्यों नहीं हुई, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। मतलब जो फुरकान ने प्रॉपर्टी आज खड़ी कर रखी है वो सारी दरगाह प्रबंधक से खत्म की हुई है। पूछ रहे हैं कि आवाज आज से पहले क्यों नहीं निकली, क्या वो दरगाह की जमीला भूमि दरगाह की भूमि नहीं थी? ये जो जनता वहाँ पर बैठी है, व्यापारी बैठे है, ये बरगलाए हुए हैं सब। बिल्कुल, उन लोगों को गुमराह करके बिठा रहे हैं। उन गरीबों की कोई गलती नहीं है, वो बेचारे तो अरबों रुपए की संपत्ति जो दरगाह पीरान कलियर की है, सब जानते हैं कि सज्जादों ने अपने नाम पे कैसे चढ़वाई। यही थे ना माननीय विधायक, एक बार धरने पे बैठ जाते हमें लगता आप ईमानदार हैं। लेकिन अगर कोई गुंडागिरी दिखा रहा है और जबरदस्ती राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो उन्हें भी जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, कि जो दरगाह में लूट थी उस लूट को रोकने का काम प्रबंधक महोदय ने किया। ठीक है, हम हिटलर तो नहीं है, हम जबरदस्ती लोकतंत्र में किसी के ऊपर थोपे कोई चीज, लेकिन हम बेहतर करने की इच्छा रखते थे इसलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बता दें हम रुड़की के HRDA ऑफिस में, और आपको बता दें यहाँ पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है शदाब शम्स जी हमारे साथ में है, और यहाँ पर काफी लोग उनके समर्थक हैं या फिर कलियर कुछ लोग हैं, उन यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, किस लिए आज आपने यहाँ पर वार्तालाप करी है, जो पत्रकारों को इनवाइट करा है, क्या मामला? नहीं, मैंने बिल्कुल इनवाइट नहीं किया, मैं तो जॉइंट मैजिस्ट्रेट ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं कलियर जा रहा था तो उन्होंने कहा सर आपसे बात करनी है, आप जरा आ जाइए। ठीक है, तो उनसे वार्ता करने के लिए रुके थे, यहाँ से सीधा कलियर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, क्या वार्तालाप करी है, कुछ पता है कि कलियर के संबंध में की गई है, क्योंकि यहाँ पर काफी रोष दिखाई दे रहा है। उन्होंने कलियर के विषय के बारे में जानकारी दी है कि क्या क्या पोजीशन है, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोगों को दिक्कत है तो उनकी दिक्कतों को दूर भी किया जाए। लेकिन अगर कोई गुंडागिर्दी दिखा रहा है और जबरदस्ती राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो उन्हें भी जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है सर, कल हम देख रहे हैं वहाँ विधायक उमेश कुमार हो या कलियर विधायक, वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हरीश रावत भी है, पूर्व मुख्यमंत्री, बोल रहे भाई यहाँ के व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, जो वहाँ की चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की उनसे दिक्कत हो रही है, बोल रहे CEO को भी हटाया जाए, वहाँ के चेयरमैन को भी हटाया जाए, उसको लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचाएं जी, और उनके बीच में आके उनकी बातों में अगर कोई बात आई है तो खड़े होना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम भी आते हैं, अगर हमारे पास खबर आती है, हमारे पास आई, हम भी आ गए। लोगों की आवाज आती है, पहुंचती है, तो अपने लोगों के बीच में आना चाहिए। जनता के जो प्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो माननीय विधायक धरने पे बैठे हैं, मेरा उनसे छोटा सा प्रश्न, मुझे अच्छा लगता वो धरने पे बैठते, अभी तो एक दरगाह लूट रही है, हम दरगाह से बचाने के लिए धरने पे बैठे। नहीं, प्रबंधक रजिया मैडम आई, इनके एक साल के कार्यकाल में 17 करोड़ रुपए इन्होंने इनकम जनरेट करके दी, कि जो लूप होल्स थे, जो चोरी के रास्ते वहां से होते थे उनको रोकने का काम किया। 17 × 5 यानी कि 85 करोड़ रुपीस पर इन 5 years, तो 85 करोड़ रुपए एक योजना में। हमारे पास तो 22-23 साल के इसमें उत्तराखंड में 20-22 साल तक, तो 20-21 साल तक तो वक्फ बोर्ड कांग्रेस के पास रहा, और फुरकान भाई जो माननीय विधायक हैं वो लगातार यहाँ विधायक हैं और उनकी देखरेख में ये वक्फ बोर्ड फल फूल रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि 80-85 करोड़ 5 साल में बैठता है, अगर इस कैलकुलेशन को मैं जोड़ूं तो अब तक तो ये लगभग 300 करोड़ रुपए इस दरगाह में होने चाहिए, 350 करोड़। वो जो 300 करोड़ रुपए थे उसका हिसाब कौन देगा? हमारा कहना ये है कि जो दरगाह में लूट थी उस लूट को रोकने का काम प्रबंधक महोदय ने किया। ठीक है, और आज अगर वो लूट, या तो आप कहते कि इससे पहले बहुत अच्छा काम हो रहा था तो फिर पैसा कहाँ है, और अगर लूट हो रही थी, चोरी हो रही थी, अगर उसे रोकने का काम प्रबंधक कर रही है तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए, विरोध नहीं, तारीफ करनी चाहिए कि आप अच्छा काम करिए। एक महिला हो के आप अच्छा काम करिए, आपको तारीफ के वाहवाही मिलनी चाहिए। एक दूसरी बात, हमने कभी नहीं कहा, हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो परेशान हैं, हमने तो 4-5 दिन पहले, मेरे पास ये वाक्य है, मैंने तभी कॉल करके CEO से बात की, प्रबंधक महोदय से बात की, मैंने कहा नहीं ये गलत है, इसे वापस ले लीजिए, लोग नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन लोगों की अच्छा इच्छा नहीं है, तो हम 2 कदम पीछे।
कल्चर जंग, हम हिटलर तो नहीं है, हम जबरदस्ती लोकतंत्र में किसी के ऊपर थोपे कोई चीज, लेकिन हम बेहतर करने की इच्छा रखते थे इसलिए बेहतर लाइन पे काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो विरोध पॉलिटिक्स हुई उन लोगों को गुमराह करके कि नहीं दोबारा रिटेंडर हो गया है, नहीं कर रहे, कर ही रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वो मासूम गरीब लोग, उनको जो गुमराह करने की कोशिश की गई, हमारा सवाल उस पर है। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति जो दरगाह पीरान क्लियर की है, सब जानते हैं कि सज्जादों ने अपने नाम पे कैसे चढ़वाई, यही थे ना माननीय विधायक, एक बार धरने पे बैठ जाते हमें लगता आप ईमानदार हैं। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति आपकी नजरों के नीचे से लूटी है, आपने एक बार तब धरना दे देते हमें लगता आप धरना देने में अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप तो एक बार नहीं बोले। आप बता दीजिए ये जो प्रॉपर्टी आपने खड़ी की है वहां अपनी, इसका एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे हम, पूछेंगे कि ये जो आज इनकम हो रही है आज से पहले क्यों नहीं हुई, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। मतलब जो फुरकान ने प्रॉपर्टी आज खड़ी कर रखी है वो सारी दरगाह प्रबंधक से खत्म की हुई है। ये पूछ रहे हैं कि आवाज आज से पहले क्यों नहीं निकली, क्या वो दरगाह की मेला भूमि दरगाह की भूमि नहीं थी? क्या आम पब्लिक नहीं जानती कि जहां मेला लगता है वो दरगाह भूमि है? सज्जादों के नाम पे दर्ज हो गई, किस सेटिंग गेटिंग से दर्ज हुई, वक्फ बोर्डों की मिली भगत से दर्ज हुई, क्या माननीय विधायक एक बार हिम्मत नहीं जुटा पाए? ये जो जनता वहां पर बैठी है, व्यापारी बैठे हैं, ये बरगलाए हुए सब, बिल्कुल उन लोगों को गुमराह करके बिठा रहे हैं। उन गरीबों की कोई गलती नहीं है, वो बेचारे तो अपनी, उनको लगा हमारी रोजी रोटी के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो गया। हमने कहा हम पूरी ईमानदारी से कहते हैं हम सही के साथ हैं, अगर गरीब को परेशानी होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर कोई जाति कर रहा है उन्हें गुमराह कर रहे हैं। दोबारा एक बार बोल दिया ना, अगर चेयरमैन बोल दे और प्रबंधक बोल दे, सब लोग बोलते हैं हाँ हम इसे वापस ले रहे हैं, तो मान लेना चाहिए फिर इस पे राजनीति करने की, क्योंकि वो थोड़ी कर रहे हैं गरीब लोग, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं। मुझे, मैंने कहा ना धरने पे बैठते अच्छा लगता, जब पत्रकारों की टांगे टूट रही थी, गड्ढों में गाड़ियां गिर रही थी और विधायक का क्षेत्र था, तब अपने खिलाफ धरने पे बैठ जाते कि ये मेरे क्षेत्र की रोड टूट रही है, तब नहीं बैठे आप धरने। तब नहीं बैठे आप धरने पे। मतलब कि जो जो उनके समर्थन में गया सब चोर है, यानी कि वो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपका मकसद ये कि जो उनको समर्थन दे रहे आप? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं कभी ऐसा कह नहीं सकता। वो बेचारे गरीब लोग हैं जो उनके हमदर्दी में गए, वो अच्छे लोग हैं। मैंने कहा मैं भी आया हूँ ना हमदर्दी में, तो आया हूँ, लोग जनप्रतिनिधि हमदर्दी में जाते। सर इतने लोग वहाँ धरने और बैठ गए, आप कह रहे उन्हें बरगला दिया गया आज से पहले, आज तो कोई बरगलाने वाला नहीं, आपकी सब सरकार नहीं थी तो अभी आप भी तो बरगला सकते थे, आपने क्यों बरगलाया भाई? है ना समझाने के लिए। अच्छा। तभी तो वहां जा रहे हैं कि गुमराह मत होइए। अच्छा। हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, हमारे लोग ही तो हैं, हमारे कई बार बोलते हैं भाई जो वहां की मैनेजर है वो कई बार, एक बार नहीं कई बार उनके साथ बदतमीजी या इस तरह की वो हरकत कर चुकी है। किन के साथ? इनके दुकानदारों के साथ बदतमीजी कर चुकी है, मतलब जो वहाँ के व्यापारी हैं दुकानदार हैं उनकी बात ही सुनती है कोई दरगाह पर विधायक बोल रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस चोर की बात सुने? अगर कोई चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है, अतिक्रमण करेंगे आप तो उनकी जिम्मेदारी है ना, उनकी ड्यूटी यही है। जो जो उनके समर्थन में गया सब चोर है, यानी कि वो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपका मकसद ये कि जो उनको आप अगर अवैध अतिक्रमण कोई बेवजह कर रहा है उसे पीछे हटवाएंगे, अब अगर वो छोड़ देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। पुलिस प्रशासन को आप क्या कहेंगे? अगर पुलिस प्रशासन अतिक्रमण को हटाता है तो क्या वो चोर है? तो यानी कि मतलब सही काम कर रही है जो मैडम? बिल्कुल सही काम कर रही है, काम अच्छा काम कर रही है। और ये कोई गलत फहमी न दिखाए कि धरना प्रदर्शन करके कोई गलत को सही साबित कर देगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हम बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं, जांच सामने है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो जांच कराएंगे हम। आप ईमानदारी से बताइए ना, ड्रामा मत कीजिए। ये जो आप दिखा रहे हैं आज से पहले तो क्षेत्र में मेहनत करते, मुझे लगता है जो आज रुड़की से क्लियर जाते हैं जायरीन, लाइट नहीं है रोड पे, किसकी जिम्मेदारी है? क्या क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि रोड पे लाइट हो? गड्ढे रोड पे है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्षेत्रीय विधायक है, हमने पिछली बार कहा हम लाइट लगवा देते हैं, आपके पास नहीं है, आपके बस का नहीं है, हम अपने दरगाह के फंड से हमने जो प्रशासक है उन्हें कहा कि भाई यहाँ लाइट लगवा दीजिए, तो आपने मना कर दिया, नहीं दरगाह का पैसा बाहर खर्च नहीं होगा। तो भाई आप लगवा दीजिए ना, आप लगवाते नहीं है, दूसरों को लगवाने देते नहीं है, अंधेरे में रखेंगे, जनता छोड़ेगी नहीं, जनता सब देख रही है। विधायक जी अंधा नहीं है कोई, सब देख रहे हैं। जो आप आज राजनीति आपको लगा चुनाव सामने आया तो एक काम करते चलो वोट बटोरते, आज धरना याद आ रहा है, आज से पहले धरना याद नहीं आया? तभी मुझे, मैं कह रहा हूं ना, तब धरना देते जब दरगाह के अंदर लूट हो रही थी, कहां जा रहे थे पैसे? तो कलियर की जनता अंधेरे में डूब रखी है और तीन तीन बार वहां का विधायक क्यों बनाया जा रहा है फिर वहां से?
होता है ना कई बार आप क्यों नहीं जीतते हमारे, अरे आप चिंता मत कीजिए, हमें टिकट देगी तो हम जीत के भी दिखाएंगे। अच्छा। पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी, सामने खड़ा करेगी तो जीत के भी दिखाएंगे, कोई कमजोर नहीं है। सीधा आपकी तैयारी है कल विधानसभा, अगर आप ऐसा समझते हो तो ऐसा भी समझ लीजिए, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा भी करना पड़ेगा तो लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ शताब शमशी जी, जिन्होंने कहा कि भाई आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो कल विधानसभा में चुनाव भी लड़ूंगा और वहाँ का विकास करके दिखाऊंगा।